ओके दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट आता है उससे हम गिटहब के ऊपर अपलोड कैसे करें या फिर गिटहब के ऊपर सिंक कैसे करें। तो सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें गिट डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे पीसी के अंदर। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम स्टार्ट मेनू में और यहाँ पे सर्च कर लेंगे गूगल क्रोम, इसको ओपन कर लेंगे और फिर हम गिट को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे सर्च कर लेंगे गिट डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली जो लिंक है यहाँ से इसी को आपको ओपन कर लेनी है। और यहाँ पे आपको, अगर आपके पास मैक ओएस है या फिर लिनक्स है तो उसके लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं विंडो के लिए ही जा रहा हूँ, तो यहाँ पे विंडो के लिए यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है योर डाउनलोडिंग इज स्टार्ट। ओके, तो ऑब्वियसली मेरा जो डाउनलोडिंग है ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी मैं फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो मेरी ये जो फाइल है गिटहब की, तो आप जब भी डाउनलोड करेंगे तो ऐसे ही आपको फाइल मिलेगी। तो इसे सिंपली हम ओपन कर लेंगे अभी। ओके, तो अभी हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट और यस। ओके, सिंपली नेक्स्ट ही यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड में ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे देते जाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, तो थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा गिट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम सिंपली स्टार्ट कर लेंगे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, इसे हम क्लोज कर लेंगे। ओके, तो अभी हम आ जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो आपका जो गिटहब का जो अकाउंट है आपने जो क्रिएट किया हुआ है, तो उसी से आपको जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ओके, आपने जो क्रिएट किया हुआ गिटहब का अकाउंट, उसी से आपको लॉगिन हो जाना है, फिर ही आप ये प्रोसेस कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले गिटहब, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है इसी को हम सिंक करेंगे गिटहब के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम फाइल के अंदर, और यहाँ से आपको आ जाना है सेटिंग्स के अंदर। आप देख पाएंगे यहाँ के फाइल और उसके अंदर सेटिंग्स। सेटिंग्स को हम अभी ओपन कर लेंगे। यहाँ से आपको आ जाना है वर्जन कंट्रोल के ऊपर। वर्जन कंट्रोल के अंदर आपको आ जाना है गिट के अंदर, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर, यहाँ से आप। ओके, सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे आपको सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ से आपको आ जाने प्रोग्राम फाइल्स एंड देन गिट का फोल्डर जो अभी हमने इंस्टॉल किया था वो, उसी के अंदर हमको आ जाने बिन, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है गिट डॉट ई एक्स ई। इसको इसी को हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर अभी हम टेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो अभी वेरीफाई करेगा कि गिट इंस्टॉल है या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल है, मतलब कि हमारा गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है इसी के अंदर। ओके पे क्लिक कर लेंगे। अभी सबसे पहले आपको आ जाना है VCS के अंदर, यहाँ पे VCS के अंदर आपको आ जाना है इंपोर्ट इनटू वर्जन कंट्रोल, इंपोर्ट इनटू वर्जन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट गिट रिपोजिटरी, और ये पाथ है यानी कि आपको कहाँ पे गिट की फाइल क्रिएट करनी है। तो इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ माई एप्लीकेशन एंड देन ओके। तो यहाँ से गिट रिपोजिटरी मेरी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको ये जो फाइल है ऐप, उसी के अंदर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है गिट। ओके, यहाँ से गिट के अंदर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड के ऊपर, जिससे हमारी जो फाइल है वो गिट के अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, फिर आपको आ जाना है VCS के अंदर एंड देन इम्पोर्ट इन टू वर्जन कंट्रोल, और यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। यहाँ से ही हमें गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट को शेयर करना है, क्लिक कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, कोई भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो आपको जो अच्छा लगे वो।
और देन शेयर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो यहाँ पे जो है स्पेस अलाउड नहीं है, इसीलिए हमें अंडरस्कोर देना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिंग गिटहब एज अ रिमोट होस्ट। ओके, तो ये हमें पूछ रहा है कि सभी फाइल आपको गिटहब के ऊपर डालनी है या फिर थोड़ी बहुत ही। तो यहाँ पे मैं जो है सभी फाइल यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे कमिट मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज दे सकता हूँ, जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कमिट मैसेज आपको डाल देना है, सिंपली इसी के ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पुशिंग टू गिटहब मास्टर। ओके, तो ये प्रोसेस हो रही है। अगर आपके केस में शायद जो है वो पासवर्ड का भी पूछ सकता है, तो आपको पासवर्ड भी एंटर कर लेना है, जैसे कि गिटहब का जो आपका जो अकाउंट है उसी का अगर आप पासवर्ड या यूज़र नेम मांगता है तो उसी का आपको दे देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिटहब में जो है वो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। ओके, तो अभी हम चेक कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, गिटहब को ओपन करेंगे यहाँ से। github.com ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये मेरा यूजर नेम है और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का नेम है my_application। ओके, तो यहाँ पे जो है पूरा प्रोजेक्ट मेरा आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कमिट किया हुआ था दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो इसी के अंदर जो है वो फाइल सिंक हो चुकी है। ओके, तो सिंपल अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।